हेलो दोस्तों, आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आप सभी को एक अच्छी एनिमी सुनाने जा रहा हूँ। एक कमरे में कुछ बच्चे बैठे होते हैं और वो पूछते हैं कि सर, आज हमें आप कौन सी कहानी सुनाएंगे। वो व्यक्ति बोलता है कि मैं आज तुम्हें एक सिली ह्यूमन के बारे में कहानी सुनाऊंगा जो बहुत ही अच्छा है। बच्चे बोलते हैं ठीक है, जल्दी करिए। वो व्यक्ति बोलता है कि हम बहुत समय पहले कुछ प्लैनेट पे हम रहते थे जो ह्यूमन रेस, डीमन रेस और असुरा रेस कहा जाता था। कुछ समय बाद जो एक युद्ध हुआ उसमें ह्यूमन रेस के खिलाफ तब ये युद्ध डीमन के रिलेटेड था, डीमन वैली के रिलेटेड। कुछ समय बाद जो सेंट्रल प्लैनेट था वो एक लैंड ह्यूमन रेस में बदल गया। जबकि असुरा जो आउटसाइड के प्लैनेट पे रहने लगे। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है जो एक मॉडल टीनेजर है, उसका नाम यूई है। वो एक कमज़ोर मंदबुद्धि वाला है जो जिसका जन्म मैडलॉक सिटी में हुआ है और उसका नाम यूई है। वो उसे बहुत से उसका बहुत से बच्चे उसको बुली करते हैं और उसके उसका उसके फादर भी उसके बारे में चिंतित रहते हैं। लेकिन उसका किस्मत बहुत अच्छा है, वो अपने आप को मैनेज कर लेता है हर एक सिचुएशन में। और वो शादी करने वाला है, एक लॉन्ग फैमिली और एक लंबे समय यूई के हस्बैंड के में बनने जा रहा है। वो बहुत अच्छी भी है और वो भी अच्छी है और उसका नाम यूईयर है। वो यूई कहता है कि आज मेरी लाइफ का सबसे खुशी वाला दिन है। जब उसकी शादी का दिन होता है तो उसका खुद का भाई उसे डायनेमिक वैली से उसे धक्का दे देता है जिसका नाम यूलिन होता है। और यूई एक पहाड़ से नीचे गिर रहा होता है तभी अचानक से यू को उस डायनेमिक वैली में सरवाइव कर जाता है और एक स्ट्रॉन्ग बनकर वापस आता है। केवल स्ट्रॉन्ग बनकर ही नहीं, उसने डायनेमिक वैली के लेक्चर को एब्जॉर्ब भी कर लिया होता है और उसे मास्टर भी कर लिया होता है। और उसको एक मिस्टीरियस पावर मिल जाता है जो डायनेमिक पावर होता है। उसको एक स्किल भी मिलती है जिसका नाम डायनेमिक ब्लड थ्रिस्ट स्किल होता है। और उसकी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाती है। कुछ समय बाद वो एक सिक्स ईयर्ड मेस्क्यू को बचाता है और जिसका नाम सेट होता है। अब यूई कहता है कि अब मैं ताकतवर हो गया तो अब मुझे अब किसी को बोली करने नहीं दूंगा। वो फिर से अपने गांव में आता है और वो रॉयल एकेडमी में जाने के लिए मैनेज करता है। फिर वहां पर टेस्ट देता है जिसमें वो पास भी हो जाता है और वहां पे आके दो दो, दो भाई को दो, दो अपने
हंस वाला भाई बनाता है जिसका नाम गाओ चाइयन होता है और दूसरे का नाम जाओ मैंगी फी होता है। हम लोग दोस्त इन दोनों को में से इसको गैन और जहन करके बुलाएंगे। वहाँ यहाँ पे आकर यू ये एक सीक्रेट आर्ट को लर्न करता है जिसका नाम एलिमेंट सर्चिंग होता है। यहाँ पे एक आइकॉनिक स्टैंड आइकॉनिक पोज बनाता है और वो फेमस भी हो जाता है जो पिक्यूट की एक सातवीं प्रिंसेस होती है जो जिनका नाम जी राउदी होता है। वो उसे एक ऑफिशियल पोजीशन देती हैं जिससे कि वो अपना स्किल को इस किंगडम में इस्तेमाल कर सके। एक बंदे को दिखाया जाता है जो उसको देखकर बहुत गुस्सा होता है। फिर यूई सक्सेस हो जाता है इसमें और उसको ब्लेम करता है। फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि यू के पीछे कुछ लोग लगे होते हैं बहुत सारे लोग उसे मारने की कोशिश करने के लिए। कुछ समय बाद हमें बात दिखाया जाता है कि जो जिससे उसकी पहले कुछ अब कुछ पहले जिससे यू की शादी होने वाली थी उसे असुरा ड्यूस ने अडॉप्ट कर लिया है जो यू ही से रिलेटेड था। फिर अचानक से वो आता है उन सबको छुड़ाने के लिए और अचानक से अटैक कर देता है रिवेल आर्मी पे और उन सभी को कैप्चर कर लेता है। फिर वो अंदर चला जाता है जहाँ पे एक टर्टल टेक्निक को यूज करता है अपने आप को कवर करने के लिए जिससे कि वो उसको ज़्यादा नुकसान ना हो। फिर बाद में एक बंदा है उसका नाम तो मैंने इस पर दिखाया नहीं गया है उससे फेस टू फेस लड़ने के लिए चैलेंज देता है और उसको चार ही अटैक में उसको हरा देता है जो उसका अपोनेंट होता है और यू ही वहाँ पर जीत जाता है। कुछ समय बाद वो दोबारा से डोमिनिक वैली में इंटर करता है और अपने ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है और एक मेडिसिन खोजता है जो अपने थर्ड अंकल को बचा सके और उसे हील कर सके। अब आगे का कहानी क्या है नेक्स्ट यू ही इंटर कर जाता है डोमिनिक वैली में और आधे साल तक वापस नहीं आता है। और वहाँ ये स्टोरी बस यहीं तक। चलो हम लोग जा रहे हैं। हम लोग ये स्टोरी केवल आधी ही है। हम दोबारा कल नहीं आएंगे। रुक जाओ। कुछ समय बाद बॉय जो लड़का था वापस आया था एक नए ब्लड लाइन में जिसका नाम फायर ईगल था और उसने रॉयल डीमन किंग बन गया और उसने एक बहुत समय जो ओल्ड एम्परर था हमारे डायनेस्टी का खो गया था उसको रेस्क्यू किया। मैंने सुना था ये बॉर्डर पर जो रॉयल कोर्ट था उसके हेल्प की सारा से जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था असुरा रेस के खिलाफ। बस इतना ही। हाँ बस इतना ही।
तुम हमसे उम्मीद मत करो कि हम तुम्हें मनी देंगे। तुम झूठ बोल रहे हो। ये फेक नहीं है। हम दोबारा नहीं आएंगे। ये बहुत लास्ट क्रेजी एंडिंग था। ये रूमर्स नहीं है, ये सच है जो मैं जानता था। ये लो मनी, तुम बहुत अच्छे हो इसलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। और वहाँ से बंदा चला जाता है, एक मिस्टीरियस बंदा।